सो गाइस, मैंने देखी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है जवान, स्टारर बाय शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टेड बाय एटली। यहाँ दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस मूवी का रिव्यू बाय स्केट्यूब रिव्यू चैनल। सो स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये जो सेलिब्रेशन देख रहे हैं गाइस, गेटी गैलेक्सी में सुबह 5 बजे का ये सेलिब्रेशन है, जो इतनी सारी पब्लिक सुबह 5 बजे इतना एक्टिव होकर इतनी डांस कर रही थी, इतना सेलिब्रेट कर रही थी गाइस इस जवान को, ये प्री सेलिब्रेशन बोल सकते हैं इसको गाइस। तो इतनी भीड़ थी वहाँ पर, जो शाहरुख खान का मैनिक्योर में ऐसा आउटलेट बना के उसके ऊपर इतना लोग दहियांडी का जो बनते हैं, फिर जो सेलिब्रेट करते हैं गाइस, वो पूरा इस तरह इस मूवी को लोग ने सेलिब्रेट किया गाइस। तो फिल्म 6 बजे का था जो मैंने गेटी गैलेक्सी में जाके देखा गाइस, तो फिल्म 6 बजे का था, हम लोग सब वहाँ पर 5 बजे ही पहुँच गए थे, सेलिब्रेशन किए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे रिपोर्टर लोग भी आए थे गाइस वहाँ पर। तो फुल मूवी का जो प्री रिव्यू है वो दे रहे थे, आपको कैसा लग रहा है, आप कितने एक्साइटेड है, ये सब हो रहा था वहाँ पर। जो फिर स्टार्ट होती है गाइस फिल्म, वो 6 बजे की बजाय 6:30 बजे होती है, क्योंकि इतनी सारी लोग की पब्लिक की वजह से फिल्म थोड़ा सा आधा घंटा लेट स्टार्ट होता है। लेकिन जब फिल्म होता है गाइस, तो इतनी पब्लिक का जो स्टार्टिंग का जो शाहरुख खान का जो एंट्री सीन है गाइस, उसमें पूरा हाउसफुल जो पब्लिक, इतना शोर गुल से पूरा थिएटर भर जाता है गाइस, इतनी आवाजें आती, इतनी चिल्लाहट होती है, इतना जो क्रेज है शाहरुख खान का गाइस, वो ये आपको सिर्फ और सिर्फ गेटी गैलेक्सी में दिखेगा गाइस, जो पूरा भरपूर था, बहुत ही मजा आया गाइस। सो मैं आपको बता दूं, ये जो मूवीज है शाहरुख खान की गाइस, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग मासिव क्लासिक मूवी है गाइस, ये आपको सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही मजा आएगा और कहीं पर भी मजा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ थिएटर की मूवी है गाइस ये। इसके अंदर जो इमोशन है, इसके अंदर जो एटली का एक्शन है, अनिरुद्ध का म्यूजिक है, और जितना भी डायरेक्शन है एटली का, वो बहुत ही लाजवाब है गाइस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बात करें हम कास्टिंग की, तो इसके अंदर शाहरुख खान, विजय सेतुपति एंड दीपिका पादुकोण, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, इतने अच्छे अच्छे कास्टिंग है गाइस, और हर कैरेक्टर का अपना एक इमोशन है, अपना एक एक्टिंग है गाइस, बहुत ही मजा आता है जब फिल्म चलते रहती है आगे, और जब इसके अंदर बीजीएम बजता है गाइस, अनिरुद्ध का जो बीजीएम है गाइस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, दिल खुश कर देता है, बहुत ही मजा आती है गाइस। जरा भी इस फिल्म के अंदर आप जरा भी एक परसेंट भी आप बोर नहीं हुई गाइस, फर्स्ट इंटरवल का जो फर्स्ट हाफ जो है गाइस, इतना मजा आती है। सेकेंड हाफ में भी जब जो विक्रम राठौड़ है, जो शाहरुख खान का सेकंड कैरेक्टर है, वो इतना मजा आती है गाइस, और प्लस उसके अंदर जो विजय सेतुपति का एक्टिंग है गाइस, मासिव एक्टिंग है, बहुत ही मजा आती है उनका ऐसा एक्टिंग देख के। सो बेसिकली गाइस, जो इनका प्लस डायरेक्शन है, इसका इमोशन है, इसका जो म्यूजिक है गाइस, बहुत ही अच्छा है, और स्टोरी भी बहुत ही मजेदार है गाइस। वन लाइन रिव्यू करूं गाइस इस मूवी का, तो इज अ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ शाहरुख खान ऑफ दिस ईयर गाइस। बेसिकली बहुत ही अच्छा गाइस, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन, और शाहरुख खान का जो इतने सारे कैरेक्टर है गाइस, हर कैरेक्टर का अपनी एक कहानी है, और उनके साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट भी गाइस इसके अंदर दिखाया है, जो बहुत ही मजा आती है गाइस देखने में। आपको सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द ये मूवी थिएटर में जाके देखिए गाइस, फैमिली के साथ देखिए, बहुत ही मजा आएगा। मैं इस मूवी को रिव्यू दूंगा 4 out of 5 stars गाइस, बहुत ही मजेदार मूवी है ये, जल्द से जल्द जाके थिएटर में जाके देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा गाइस। इसके अंदर जो आपको दिखेगा ना शाहरुख खान की एक्टिंग, आप भूल नहीं पाओगे। आफ्टर पठान के बाद फिर से आ गया है शाहरुख खान जवान लेके, जो इस साल पूरी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिव्यू में, जब तक के टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।